स्वागत आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज हमारे पास है होंडा की हॉर्नेट 2.0। अब 2.0 इसका नाम क्यों है, बिकॉज इसको कंसिडर किया जा रहा है 200 सीसी सेगमेंट में। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसको जो कंसिडरेशन होता है इंजन का वो होना चाहिए 180 सेगमेंट में, और इसका जो कंपटीशन वो होना चाहिए पल्सर 180F एंड RTR जो अपैचे है 180 के साथ। अभी तक ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर बाइक को चला चुका हूँ। 10 किलोमीटर चलाने के बाद में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ये बाइक के अंदर मुझे क्या अच्छा लगा एंड क्या मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे हिसाब से टॉप स्पीड हमने अचीव की है 130 किलोमीटर पर आवर, जो बहुत अच्छी टॉप स्पीड है 5 स्पीड गियरबॉक्स होने के बाद भी। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। इसका हमने टेस्ट राइड ले लिया है। अब आपके जो क्वेश्चंस थे, आपने पूछे थे मेरे को, मेरे जो कम्युनिटी का एक पोस्ट था मैंने 4 दिन पहले डाला था, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पूछे एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब हमारे पास है बाइक, आपने वीडियो देख लिया होगा कि इसकी टॉप स्पीड कितनी है, 130 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड है। एंड फर्स्ट या सेकंड सर्विस के बाद में 4 से 5 किलोमीटर की टॉप स्पीड और बढ़ सकती है आपको, तो 135 तक आपको इसकी टॉप स्पीड मिल सकती है। लेकिन ये बाइक टॉप स्पीड के लिए नहीं है। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आपको रिलायबल व्हीकल चाहिए, अगर आपको होंडा का भरोसा चाहिए, तो ही आप ये बाइक को लीजिए। अगर आपको टॉप स्पीड चाहिए, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, तो आई डोंट थिंक आप कभी होंडा की तरफ जाओगे। मैं लोअर सीसी सेगमेंट की बाइक्स की बात कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस का आंसर दूँ, आपको एक बार बाइक दिखाता हूँ एंड बाइक का आपको वॉक अराउंड देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मुझे अच्छा क्या लगा ये बाइक में एंड बुरा क्या लगा। सामने की तरफ बाइक कुछ ऐसी दिखती है। अब जितने भी लाइट्स इसके अंदर है, हेडलाइट है, इसकी जो इंडिकेटर है, पीछे की टेल लाइट है, सब कुछ LED है इसके अंदर। जैसे ही इग्निशन आप ऑन करोगे, सिर्फ इग्निशन ऑन, तो नीचे आपको DRL डे टाइम रनिंग लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। तो जैसे ही आप बाइक को स्टार्ट करोगे, ऊपर वाली जो लाइट है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाएगी, आप इसको बंद नहीं कर पाओगे। अगर आपको हाई बीम यूज़ करनी है तो हाई बीम का यहाँ पे बटन है, आप हाई बीम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप हाई बीम यूज़ करोगे, जितनी लाइट है पूरी वो सब ऑन हो जाएंगी इसके अंदर। विजिबिलिटी की अगर बात करूँ तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊँगा नाइट टाइम का, जैसे मुझे बाइक मिल जाएगी, बिकॉज अभी शोरूम से बाइक लेना बहुत मुश्किल हो रहा है ये पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से। तो बाइक की जो सामने की विजिबिलिटी कुछ ऐसी है, और मेरे हिसाब से ये फुल LED है, तो आपको जो नाइट के टाइम पर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलनी चाहिए। तो इंडिकेटर्स है वो LED है एंड थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल भी है, चारों इंडिकेटर एक साथ जलते हैं, बिकॉज इसके अंदर आपको हजार्ड लाइट का स्विच दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर सिर्फ आपको सिंगल इंडिकेटर यूज़ करना है तो उसको आप बंद कर दीजिए, इंडिकेटर का बटन यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप इंडिकेटर स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है इंडिकेटर, यहाँ पे भी आपको इंडिकेशन मिलता है। नाइट के टाइम पे आप चलाते हो, कभी लॉन्ग राइड करते हो, वो टाइम पे अगर विजिबिलिटी कम है, बारिश वगैरह है, कुछ तूफान वगैरह आ गया है, आपको बाइक कहीं हाईवे पे रोकना है, तो आप हजार्ड जो लाइट का स्विच है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एडिशन है होंडा की तरफ से कि हजार्ड लाइट का ऑप्शन दिया है। यू विल बी सरप्राइज टू सी दिस इंजन स्टॉप बटन, तो ये बहुत कम गाड़ियों में होंडा देता है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने इंजन जो स्टॉप बटन है वो भी दिया है। नीचे की तरफ आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट का बटन दिया गया है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग, ये बाइक की सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे इसका सस्पेंशन, ये है अपसाइड डाउन फॉक्स USD सस्पेंशन। अब ये सस्पेंशन के कुछ फ़ायदे भी हैं, दिक्कत इसके अंदर आपको थोड़ी कम आती है। दिस इज़ फर्स्ट इन क्लास, ये सीसी सेगमेंट में आपको USD फॉक्स नहीं मिलेंगे। एंड इसकी अच्छी चीज़ क्या है कि आप जब स्पीड भगाते हो हाई स्पीड पे, तो ये बहुत स्टेबल रखता है बाइक को। जब आप ब्रेक मारते हो तो बाइक का जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आप खड्डों वगैरह में जाते हो, जो रोड अच्छी नहीं है वहाँ पर आप इसको चलाते हो, तो इसका जो कम्फर्ट है वो ज़्यादा होता है। लेकिन अब इंडियन रोड्स
इतने अच्छे नहीं है, उसका थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है। अगर आपको अच्छी स्मूथ राइड चाहिए, कंफर्टेबल राइड चाहिए और हाई स्पीड पे आप जब लेके जाते हो तो आपकी बाइक कंट्रोल में रहना चाहिए, तो ये बहुत अच्छे हैं वो चीज़ के लिए। अगर आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हो अपनी बाइक को तो यू विल लव इट। तो यहाँ पे ABS लिखा है, सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है। जी हाँ, सिंगल चैनल ABS, इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS नहीं मिलता है। सामने का जो डिस्क प्लेट है इसका साइज है 276 mm। ABS की जो रिंग दी गई है, निशिन का इसमें आपको सिस्टम दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिफ्लेक्टर वगैरह दिए गए हैं। एंड इसका जो कलर है ना, ये USD फॉक्स का, दूर से देखिए काफी अच्छा लगता है। एंड इसके अंदर आपको चार कलर मिलते हैं। टायर सामने का दिया है वो ट्यूबलेस है, 110x70 17 इंच का ट्यूबलेस टायर इसके अंदर आपको दिया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो एलॉय व्हील्स है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे होंडा का नाम लिखा है, अटेंशन टू डिटेल। यहाँ पे एक स्ट्राइप दिया गया है, मैं ग्रे कलर इसको कह सकता हूँ। एंड बाइक थोड़ी गंदी है बिकॉज मैंने इसको खूब चलाया है। सो जो टायर का कंपनी इसमें दिया गया है, मैक्सिस ट्यूबलेस टायर है। एंड टायर का जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा है, आपने स्पीड देख ली होगी, वो स्पीड पे मुझे काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस फील हो रहा था। जो टायर का ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ और आपको बता दूँ कि पीछे का जो टायर है वो 140 सेक्शन है। अब जितना ज़्यादा वाइड टायर रहेगा, मैं स्पेशली ये बाइक के बारे में बात कर रहा हूँ, ये CC सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, जितना टायर ज़्यादा वाइड रहेगा आपको कंट्रोल उतना ज़्यादा मिलेगा, ग्रिप आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। हाई स्पीड पे आप जाते हो बाइक वॉबल नहीं करेगी। तो पीछे का जो टायर है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो पीछे का जो टायर है वो है 140x70 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। यहाँ पे पीछे की तरफ आप अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे, तो एक स्ट्राइप दिया गया है जो ब्लू प्लस ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है, दूर से कुछ ऐसा दिखता है। शार्प जो श्राउड्स वगैरह दिए गए हैं, मैं ये कह सकता हूँ टैंक जो श्राउड है वो दिए गए हैं। ये जो बाइक है ना, ये मिक्स है हॉर्नेट एंड एक्स ब्लेड का। यहाँ पे जो होंडा का बड़ा सा एम्बलम दिया गया है, सिंबल दिया गया है, यहाँ पे कुछ स्टिकर्स वगैरह दिए गए हैं, यहाँ पे हॉर्नेट बड़ा सा नाम लिखा है, स्टिकर अच्छे वाले स्टिकर दिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे फिट एंड फिनिश अगर आप देखोगे तो ये आप देखिए, एंड यहाँ पे थोड़ा आप देखिए, ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, फिट एंड फिनिश के मामले में मुझे थोड़ा कम लगा। एंड ये साइड में अगर आप आएंगे, यहाँ पे एक अलग सा टेक्सचर दिया गया है, रगड टेक्सचर दिया गया है। यहाँ पे होंडा इको टेक्नोलॉजी BS6, आपको सबको पता ही है कि ये BS6 कंप्लाइंट इंजन है। अब ये जो इंजन है ये BS6 कंप्लाइंट इंजन है, 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 184.40 cc का इंजन है। इसका जो पावर है वो है 17.2 PS का 8500 RPM पे, और इसका जो टॉर्क है वो है 16.1 Nm का 6000 RPM पे। अगर मैं इसको 180 cc सेगमेंट में कंसिडर करता हूँ ये बाइक को, तो पावर फिगर्स जो है BHP एंड टॉर्क बहुत अच्छा है। जब आप सिटी में चलाते हो तो आपको टॉर्क ज़्यादा चाहिए, इनिशियल जो पिकअप है बाइक कितना खींच रही है दैट इज़ समथिंग यू नीड। तो इनिशियल जो पिकअप है बाइक का काफ़ी अच्छा है। अगर इंजन की तरफ आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे होंडा का नाम लिखा गया है, नीचे आपको इंजन कॉइल दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अगेन बाइक का जो कलर है उससे मैच करता है, तो यहाँ पे ये इंजन काउल दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अलग सा एक शेप यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि BS6 कंप्लाइंट इंजन जो भी है सब में ये कैटलिक कन्वर्टर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ये वाला पार्ट थोड़ा ऐसा फुला हुआ है। एंड ये साइड में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा जो इंजन काउल है वो दिया गया है। तो ये है इसका एग्जॉस्ट। अब एग्जॉस्ट का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, एग्जॉस्ट के ऊपर एक हीट शील्ड भी दी गई है, यहाँ पर आपको दिया गया है फुटफैक्स। तो पहले हम सुनेंगे इसके एग्जॉस्ट की साउंड, उसके बाद में हम बात करेंगे एग्जॉस्ट नॉट कैसा है। एक चीज़ आपको और बता दूं कि होंडा की जितने भी बाइक्स हैं उनका इंजन बहुत साइलेंट रहता है, इसका इंजन भी बहुत साइलेंट है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इंजन स्टार्ट है। एग्जॉस्ट नॉट है, ये काफ़ी सूदिंग है, उतना लाउड नहीं है, लेकिन जो बेस है काफ़ी अच्छा है। ये साइड में आप आएंगे पीछे की तरफ, तो पीछे जो डिस्क प्लेट दिया गया है उसका साइज़ है 220 mm। पीछे आपको ABS नहीं मिलता है, हो सकता है कि होंडा नेक्स्ट अपग्रेड कर दे, लेकिन अभी आपको सिर्फ एंड सिर्फ डिस्क ब्रेक मिलता है पीछे की तरफ। पीछे का जो टायर है उसका साइज़ है 140x70 17 इंच का ट्यूबलेस टायर। ये टायर काफ़ी वाइड आप यहाँ से देख सकते हैं, स्पेशली सिटी राइड के लिए आपको थोड़ा वाइड टायर रहेगा तो ग्रिप ज़्यादा मिलेगा। पीछे बाइक कुछ ऐसी दिखती है, यहाँ पे अपनी नंबर प्लेट लगा सकते हैं, नीचे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक लाइट दी गई है, जो इंडिकेटर है वो LED है, होंडा का यहाँ पे नाम लिखा गया है। एंड ये जो LED टेल लैंप है X शेप में है, LED कुछ ऐसी दिखती है X शेप में, यही आपको लाइट मेरे हिसाब से होंडा जो X ब्लेड थी उसके ऊपर आती है। यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर का एक फिनिश दिया गया है, लेकिन ये कार्बन फाइबर नहीं है, ये सिर्फ एक फिनिश है। ये साइड में भी आप देख सकते हैं, मैंने अभी हजार्ड लाइट ऑन किया है, इसकी वजह से आपको दोनों इंडिकेटर एक साथ जलते हुए दिख रहे हैं। ये साइड में आएंगे तो यहाँ पे लेडीज फुटरेस्ट मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो पिलियन का फुटपैक है वो दिख रहा है।
ये वाली चीज़ मुझे लगता है कि आप शोरूम से ले सकते हो। यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड दिया गया है जो एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, एंड उसके ऊपर से एक कवर और दिया गया है एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। ये वाला भी ऑप्शन एक दिया गया है। आई एम नॉट श्योर इसका और क्या यूज़ है, लेकिन मेरे हिसाब से ये साड़ी गार्ड को एडिशनल प्रोटेक्शन देने के लिए इसको बनाया गया है। कुछ थोड़ा ऊपर यहाँ पे आएंगे, ग्रैब रेल्स है, ये स्प्लिट है, मतलब ये जुड़े हुए नहीं है यहाँ पे। तो जैसे ही कोई पिलियन बैठता है बाइक पे तो पिलियन ईजिली इसको ग्रैब कर सकता है। इसकी जो चेन है वो हाफ क्लोज्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाफ ओपन है यहाँ से। एंड इसका एक चीज़ और आप देखिए, इसका जो बनावट है, इसका जो शेप दिया गया है वो एक अलग तरीके का दिया गया है। मैं पहली बार ऐसा स्प्रॉकेट देख रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कुछ अलग डिज़ाइन दिया गया है इसका। तो इसमें आपको 5-speed गियरबॉक्स दिया गया है, 5 gear आपको इसके अंदर मिलते हैं। इसकी वजह से इसका स्पीड 130 है, तो मुझे लगता है कि अगर 6 gear इसके अंदर दिया गया होता तो स्पीड थोड़ी और ज़्यादा हो सकती। कम्यूटर जो सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं उसके अंदर 6 gear आप कब यूज़ करते हो, बिकॉज़ ये जो बाइक्स है ये ज़्यादा चलते हैं सिटी के अंदर, सामान यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए। हाईवे पर आप 2 या 3 महीने में एक बार इसको लेके जाते हो, जैसे मीनो कभी संडे आप राइड पर निकल गए, कभी आप थोड़ा लॉन्ग राइड मार लिए। तो मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकल गियरबॉक्स इसके अंदर दिया गया है। मुझे लगता नहीं कि 80-90 की स्पीड कभी क्रॉस कर पाते हो सिटी के अंदर अगर आप रूल फॉलो करके चला रहे हो। वैसे मैंने लोग देखे हैं 120-130 भी मारते हैं। गियरबॉक्स के बारे में थोड़ी बात करूंगा, इसका जो गियरबॉक्स है मुझे लगता है कि हॉर्नेट के जैसा ही स्मूथ है। जब आप शिफ्ट करते हो आपको कुछ क्लिक साउंड वगैरह कुछ आता नहीं है, इजीली आप शिफ्ट कर पाते हो। मुझे गियरबॉक्स के साथ कुछ इशू नहीं हुआ। वैसे भी आपको बता दूं कि होंडा हीरो ये सब जो गाड़ियाँ आती है इनका गियरबॉक्स अल्ट्रा स्मूथ रहता है। एंड रही बात ये साइड की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होंडा का नाम लिखा गया है। अब ये जो इंजन है ये फ्यूल इंजेक्टेड है, तो इसके अंदर आपको रिजर्व वगैरह लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, 12 लीटर का इसका पेट्रोल टैंक आपको मिलता है, जो मुझे लगता है कि अगर 35 km/L का माइलेज आपको मिल रहा है वो मुझे लगता है कि सिटी के अंदर आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप हाईवे पे कभी लेके जाते हो, टूरिंग वगैरह करते हो, वैसे आपको बता दूं कि ये बाइक टूरिंग के लिए एक परफेक्ट वेपन है। अगर आपको बजट में ट्यूनिंग करनी है, ज़्यादा आपको माइलेज चाहिए, तो आपको 35 तो आपको आराम से सिटी के अंदर मिल जाएगा। अगर आप हाईवे पे लेके जाते हो 70-80 की स्पीड मेंटेन करते हो तो आपको आराम से 40+ माइलेज मिल जाएगा। होंडा ने कुछ इसका सीट हाइट मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से 790 mm इसका सीट हाइट है। भैया जो मेरे साथ है उनको बोलता हूँ ऊपर बैठने के लिए। भैया इसके ऊपर बैठ के दिखाइए ना, आपका हाइट कितना है? 5'8" ना, भैया का हाइट 5'8" है, मेरा भी 5'8" है। आप ऊपर बैठ के दिखाइए, स्टैंड से निकाल लीजिए। हाँ, तो भैया के पैर ना दोनों तरफ फ्लैट टिके हुए हैं, तो अगर आपकी हाइट 5.5 एंड अबव है तो ये बाइक को आप आराम से चला पाओगे। हालांकि हाइट थोड़ी कम भी है, 5.3-5.4, तो भी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, आप चला सकते हो। और सीटिंग पोस्चर आप देख सकते हैं, भैया आराम से बैठे हुए हैं। आप एक बार इसका सेंटर स्टैंड लगा के दिखाइए। ओके, अब आप पीछे की सीट पर बैठ जाइए। तो मेरे पास तीसरा आदमी नहीं है जो हमें दिखा सके कि हम दो लोग बैठेंगे तो बाइक कैसी दिखती है और कंफर्टेबली बैठ पाते हैं या नहीं। थैंक यू भैया। तो भैया की हाइट है 5.8। मैंने आपको बताया कि अगर आपकी हाइट 5.5-5.6 भी है तो आप आराम से बाइक को चला सकते हैं। 790 mm इसकी सीट हाइट होनी चाहिए। सीट मुझे थोड़ी हार्ड लगी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब ऐसे आप इसको फील कर रहे हो तब तो आपको सॉफ्ट लगेगी, लेकिन जब आप चलाते हो तो थोड़ी मुझे हार्ड लगी। सीट काफ़ी वाइड है, अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो तो आप थोड़ा पीछे खिसक के बैठिए। कई लोग क्या करते हैं थोड़ा आगे बैठते हैं, तो यहाँ आपको बैठना है ताकि आपको थोड़ा सपोर्ट तो ये भी मिले। अब इसकी सीट जो है वो स्प्लिट सीट है, ये जो सीट है काफ़ी नीचे है, लेकिन जो पिलियन की सीट है वो थोड़ी ऊपर है। एंड मुझे लगता है कि इसका जो मटेरियल है वो भी थोड़ा मुझे हार्ड ही फील करा रहा है। बाकी अगर आप सिटी में राइड वगैरह करते हो छोटे मोटे 30-40 km, तो आपको कुछ इश्यू होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड का सोच रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको इश्यू हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है। आजकल आपको आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज मिलते हैं, वो आप लगा सकते हैं। इसका इग्निशन आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे टैंक के ऊपर दिया गया है। एक बड़ी बाइक की, प्रीमियम बाइक की फील आपको यहाँ पे मिलेगी। इसका जो पेट्रोल टैंक है कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे एक फाइबर का पार्ट यहाँ पे दिया गया है एंड यहाँ पे होंडा का नाम लिखा है। 12 लीटर का पेट्रोल टैंक है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है सिटी राइड के लिए एटलीस्ट। तो जैसे आप इसको ऑन करोगे आपको इतनी सारी डिटेल्स देखने को मिलती है, आपको दिख रही होगी यहाँ पे। बैटरी का जो वोल्ट है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, 12.7। यहाँ पे ऑडोमीटर की जो रीडिंग वगैरह आपको यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे आपको टैकोमीटर दिया गया है, यहाँ पे आपको RPM देखने को मिलता है, 11,000 RPM यहाँ पे दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से 9,500 तक ये जाती है, आपने वीडियो में देख लिया होगा। यहाँ पे स्पीड है km/h वो दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लॉक दी गई है, यहाँ पे फ्यूल कितना फ्यूल इसके अंदर है, यहाँ पे आपको जो गियर का इंडिकेशन है वो दिया गया है। कुछ यहाँ पे बटन्स भी दिए गए हैं, वो भी आप एक बार ऑपरेट करके देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ। तो ट्रिप ए, ट्रिप बी,
एंड देन बैटरी का वॉल्ट, एंड यहाँ पे कुछ एक और बटन दिया गया है जो मुझे लगता है कि रीसेट के लिए है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर दी गई है, बाकी कुछ आपको मिलता नहीं है। मुझे लगता है कि ये बेसिक चीज़ें हैं, यूज़फुल रहेंगी आपकी राइड के टाइम पे। यहाँ पे आपको दिया गया हाई बीम एंड लो बीम का इंडिकेशन। बाइक हाई बीम में है तो आपको ये लाइट जलती हुई दिख रही है, जैसे मैं इसको लो बीम में डालता हूँ लाइट चली जाएगी। यहाँ पे ABS का जो इंडिकेशन वो दिया गया है, यहाँ पे न्यूट्रल, और यहाँ पे जो फ्यूल इंजेक्शन होने की वजह से आपका बाइक में अगर कुछ इशू होता है, जैसे इंजन में कुछ इशू आता है, तो ये जो इंजन माल फंक्शन का जो लाइट है वो ऑन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको इंडिकेटर का भी ऑप्शन दिया गया है। इसका जो मिरर है वो काफ़ी अच्छे हैं, पीछे आप आराम से देख सकते हैं, पूरा घुमा सकते हैं। सस्पेंशन ये आपको मोनोशॉक दिया गया है, काफ़ी अच्छी स्टेबल रहती है ये मोनोशॉक सस्पेंशन की वजह से। एंड सामने आपको पता है कि USD अपसाइड डाउन फोक्स आपको दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी की राइड क्वालिटी है। जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो आप इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 167 mm का, जो अगर आप दो लोग भी बैठ के जा रहे हैं बाइक पे तो स्पीड ब्रेकर रहते हैं, अगर ज़्यादा भी हाइट है स्पीड ब्रेकर की तो उस पर टच बिल्कुल भी नहीं होगी। बाइक का जो वेट है वो है 142 किलो, जो मुझे लगता है कि एक ये CC सेगमेंट की बाइक के लिए परफेक्ट है, इससे कम तो क्या ही होगा। 142 किलो की ये बाइक है। अब इसका प्राइस आपको बता दूंगी, इसका प्राइस है 128,000 शोरूम, एंड अगर आपको लेनी है बाइक तो आपको ऑन रोड प्राइस पड़ेगा 156,000 विच इंक्लूड्स योर रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग। आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आपको मैं शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर है वो वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चंस के बारे में। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने मुझे पूछे थे, मैंने पूरे क्वेश्चंस एक ही साथ रख लिए हैं, एक जगह टाइप करके रख लिए हैं, इतने क्वेश्चंस आपने मेरे को पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन है हाईवे क्रूजिंग स्पीड। हाईवे क्रूजिंग स्पीड 80 से लेकर 90 आप आराम से मार सकते हो, बाइक बहुत स्टेबल है, टेस्ट राइड लीजिए। तो हाईवे स्पीड 85 to 90, उसके बाद में वाइब्रेशन फ्रॉम विच RPM, यू डोंट गेट एनी वाइब्रेशन। आप जब 120 से ऊपर जाते हो तो थोड़े बहुत वाइब्रेशन आपको मिलते हैं, वो भी आपको हैंडल बार पे नहीं मिलते हैं। वो कहाँ मिलते हैं आपको, यहाँ पे फुट पैक्स पे, ये जगह पे आपको थोड़े बहुत वाइब्रेशन, बहुत कम, वो भी आपको इतनी दिक्कत होने वाली नहीं है कि आप चला नहीं पाओ। अब कितनी बार इसको 130 की स्पीड पे लेके जाओगे सिटी के अंदर, हार्डली, सिटी के अंदर तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर हाईवे पे लेके जाते हो तो आपको वाइब्रेशन ज़्यादा फील नहीं होंगे, लोअर RPM में कोई वाइब्रेशन नहीं है। अब ये सिंगल सिलेंडर है जिसके अंदर मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी बाइक नहीं है जिसमें वाइब्रेशन नहीं रहते हैं, लेकिन फुट पैक्स पे वाइब्रेशन थोड़े बहुत आते हैं, वो भी 120 की स्पीड के बाद में। मैं ये कह सकता हूँ कि अराउंड 7500 RPM या उससे आगे। अगला आपका क्वेश्चन है टॉप स्पीड, आपने देख लिया होगा 130। इंजन हीट, ये हेयर कूल्ड इंजन है, इसमें आपको लिक्विड कूल भी नहीं मिलता है, ऑयल कूल भी नहीं मिलता है, लेकिन अभी तक मुझे कुछ दिक्कत हुई नहीं। मैंने अभी आपने देखा है कि मैंने टॉप स्पीड भी इसकी अचीव की है, कुछ दिक्कत हुई नहीं। मैंने सिटी के अंदर भी इसको चलाया है, बाइक बिल्कुल भी हीट नहीं कर रही है, मुझे हीट से लेकर कोई इशू नहीं। तो आप हाईवे पर राइड कर सकते हो, आप सिटी के अंदर भी राइड कर सकते हो, मुझे कुछ भी हीट फील नहीं हुआ, और ज़्यादा मैंने इसको चलाया नहीं। आई थिंक अभी तक मैंने 22 किलोमीटर को चलाया इसको, तो वहाँ तक मुझे कुछ दिक्कत नहीं आई। अगला क्वेश्चन है टूरिंग पर्पज, यस यू कैन गो फॉर टूरिंग, बट ओनली थिंग इज दैट आपको सीट वगैरह ना कुछ और क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। टूरिंग के लिए ठीक है, पिलियन को भी कुछ दिक्कत होने वाले नहीं है, हालांकि अगर सिंगल सीट होती तो बात अलग होती थी, लेकिन इसके अंदर आपको स्प्लिट सीट मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वालिटी ऑफ फिट एंड फिनिश, विच आई एम डिसअपॉइंटेड, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो आप ये पार्ट्स ऐसे मूव हो रहे हैं, अगर यहाँ की तरफ आप यहाँ आएंगे तो ये भी पार्ट्स ऐसे मूव हो रहे हैं, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गैप जो है ये पैनल्स का, ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बाकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है, मुझे लगता है कि ठीक ठाक है, उतनी टॉप नॉच भी नहीं है जो होंडा से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि टॉप नॉच, लेकिन ये बाइक में उतना नहीं है, एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप एक बार बाइक राइड करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हिल एंड फीडबैक ऑफ USD फॉक्स अपसाइड डाउन फॉक्स, ब्रिलियंट है, अच्छी स्टेबिलिटी है, हाई स्पीड में आपको कॉन्फिडेंस फील होता है, एंड ब्रेक मारने के टाइम पे भी आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस फील होता है, थोड़ा बस आपको मेंटेनेंस पर ध्यान देना है, एंड अगेन अगर आप ऑन टाइम सर्विस दे रहे हो तो कुछ इश्यू नहीं आएगा। राइडर हाइट बता दिया है 5.4 5.5 भी अगर आपकी हाइट है तो आप आराम से इसको चला सकते हो। टॉल और शॉर्ट गियर रेशियो, मुझे लगता है कि इसका जो गियर रेशियो है लिटिल बिट टॉल है, उतना शॉर्ट भी नहीं है कि आपको फर्स्ट गियर में 20 की स्पीड पे भी नहीं जा रही है। आपने टॉप स्पीड देख लिया है 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है 5 गियर के साथ, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी स्पीड है। साइड स्टैंड इंडिकेटर वो भी हम देख लेते हैं, तो मैं साइड स्टैंड को लगा देता हूँ, तो मुझे इसके अंदर कुछ इंडिकेटर नहीं दिखता है, साइड स्टैंड का इंडिकेटर इसके अंदर नहीं है, साइड स्टैंड का सेंसर भी आपको नहीं मिलता है, अगर आप साइड स्टैंड लगाते हो तो बाइक बंद नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है टायर ग्रिप, बहुत अच्छा है, पीछे का जो टायर है वो काफ़ी वाइड है, 140 सेक्शन है। उसके बाद में इंजन किल स्विच, यस वी हैव इंजन किल स्विच हियर, यहाँ पे इंजन किल स्विच है। राइडिंग पोस्चर मैंने आपको दिखा दिया है, अपराइट राइडिंग पोस्चर है, लॉन्ग राइड के लिए काफ़ी अच्छा है, पिलियन के साथ भी काफ़ी अच्छा रहेगा। वाई सो कॉस्टली, तो होंडा की बाइक वैसे भी लोअर ब्रैकेट में प्राइस नहीं होती है, बिकॉज आपका जो इंजन है वो रिफाइंड एक नंबर
नंबर का है। आई थिंक एक्स ब्लेड के बाद में अगर मुझे होंडा की कोई बाइक का इंजन पसंद आया तो वो ये है। आप ट्रैफिक में 10 से 12 की स्पीड पे भी थर्ड गियर पे चला सकते हो। अब कुछ लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि इसको ख़रीदना चाहिए या नहीं चाहिए, बिकॉज इसमें आपको जो इंजन की कूलिंग फैसिलिटी है वो सिर्फ एयर कूल्ड मिलता है, तो मेरे हिसाब से कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप हाईवे पे लेके जाओ, सिटी में चलाओ, इतना तो बिल्कुल मुझे हीट फील नहीं हुई और प्रोबेबली आपको भी हीट फील नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, टॉप स्पीड 140 से 145 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए था। इसमें पांच ही गियर है और 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मुझे लगता है बहुत अच्छी स्पीड है। इसमें GTT ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी है या नहीं है, इसमें वो टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन आप जब क्लच रिलीज करते हो तो मुझे लगता है कि 5 से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बाइक आराम से निकल जाती है। कुछ नॉकिंग नहीं है, इनिशियल जो पिकअप है उसके अंदर भी आपको कुछ इश्यू नहीं आएगा जहाँ तक मैंने फील किया है। ब्रेक टेस्ट ABS बहुत अच्छा काम करता है। मैं एक सिंगल चैनल ABS आपको मिलता है, लेकिन आपको पीछे के टायर में सिर्फ एंड सिर्फ डिस्क मिलता है, और हो सकता है कि बाद में कोई अपडेट आए तो ABS पीछे के टायर में भी आ सकता है, लेकिन अभी तो सिंगल चैनल ABS ही है। अगला सवाल है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है, आप आराम से 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि 85 से लेकर 90 इसकी जो क्रूजिंग स्पीड है हाईवे पे वो आराम से मेंटेन हो सकती है। एक्स ब्लेड और हॉर्नेट, आई वुड से गो फॉर हॉर्नेट, बिकॉज इसके अंदर ज़्यादा पावर है, इसका जो रियर टायर है वो थोड़ा वाइड है, इसके अंदर आपको USD अपसाइड डाउन फॉक्स मिलता है, सीट हाइट काफ़ी अच्छी है। बहुत सारे लोग ये भी पूछे थे कि इसको कंपेयर करो NS 200 से या फिर RTR 200 से, तो आपको बता दूँ कि ये बाइक मैं कंसिडर करता हूँ 180cc सेगमेंट में। अगर आप NS वगैरह को इससे कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली NS इससे फार बेटर है, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बट इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड परफॉर्मेंस, बिकॉज उसका जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छा है, उसका पावर भी 7 से 8 BHP इससे ज़्यादा है, उसका टॉर्क भी ज़्यादा है। हालांकि जो RTR 200 है उसको फिर भी आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक कम्यूटिंग करने के लिए सिटी में राइड के लिए बाइक चाहिए विथ मोर रिफाइंड इंजन, देन आई वुड से गो फॉर हॉर्नेट 2.0। आपको थोड़ी ज़्यादा स्पीड चाहिए, थोड़ी और ज़्यादा पावर चाहिए, तो आप जा सकते हैं RTR 200 के लिए। सो दैट्स ऑल गाइज, मैंने आपको बता दिया कि थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई, जैसे इसकी फिट एंड फिनिश वो मुझे पसंद नहीं आई, और इसके अंदर लिक्विड कूल्ड या फिर एटलीस्ट ऑयल कूल्ड फैसिलिटी होती तो बहुत अच्छा हो सकता था। हालांकि दिक्कत कुछ नहीं, आप आराम से चला सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, बिना लाइक करें मत जाइए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबाएं। अगर आपके क्वेश्चन हैं और कुछ तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है BikerPrakashChaudhary, नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगी, प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। अगर वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।